बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, नित उठ गुरु को शीश नमाऊं। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। आज हम गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु, गुरु कौन होता है, कौन हो सकता है, गुरु के कितने गुण होते हैं और गुरु से हमें क्या मिलता है, इन सारे विषयों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और गुरु के साथ में यदि पूर्णिमा का संयोग हो, गुरु भी सामने हो और उस दिन पूर्णिमा हो, तो उस गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है और किस प्रकार हम अपना शारीरिक बौद्धिक मानसिक विकास कर सकते हैं गुरु के सानिध्य में, किस प्रकार हम उसका सारा लाभ उठा सकते हैं और हर प्रकार से सुखी और समृद्ध बन सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। गुरु कौन है पहले इसको समझ लें। गुरु वो जिसने बचपन से हमें हंसना बोलना चलना उठना बैठना खाना पढ़ना सिखलाया, यानी हमारी माँ, या वो जिसने हमें जीवन का अर्थ समझाया, आदर्शों और संस्कारों से हमें परिपूर्ण किया, हमारे पिता, या वो जिन्होंने हमें स्कूल में विभिन्न विषयों का ज्ञान करवाया, या वो जिसने हमें किसी विशेष विधा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करवाया, उसका ज्ञान दिया, वो हमारा गुरु है, या वो जिसने हमें ये बोध कराया कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कैसे कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे और हमारा उद्धार कैसे हो सकता है, हम कैसे आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, इस बार बार के भव भ्रमण से छुटकारा पा करके किस प्रकार सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। ये सभी किसी न किसी रूप में हमारे गुरु हैं, परंतु क्या एक व्यक्ति के इतने गुरु हो सकते हैं? जीवन विशाल है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आकाश, चांद, सितारे, पर्वत, नदी, पानी, वर्षा, बादल, पुष्प, वृक्ष, सूर्य, पंछी, जानवर तक मनुष्य के गुरु हैं। जो व्यक्ति हमें जाने अनजाने छोटी सी बात भी सिखाता है वो भी हमारा गुरु है। कभी किसी व्यक्ति के जीवन से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम स्वयं भी अपनी भूलों से अनुभवों से कुछ न कुछ सीखते हैं, तो क्या ये सब भी हमारे गुरु हैं और हम भी अपने आप के गुरु हैं? इसको थोड़ा समझिए। पहले गुरु शब्द की व्याख्या करता हूँ। गुरु शब्द का संधि विच्छेद करके गुरु का अर्थ क्या उसको समझने की कोशिश करिए। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है उसका नाश करने वाला, यानी अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला गुरु कहलाता है। गुरु ज्ञान रूपी सूर्य है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ जगमाही। कई महान कवियों ने गुरु के संबंध में अपने अपने काव्य में बहुत कुछ कहा है, जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यानी गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है, गड़ा, वो चोट मार करके भी उसको अंदर से सहारा देता है और उसकी खोट को निकालता है। कबीरा तेनर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। हरि रूठ जाए तो गुरु का सहारा है, लेकिन गुरु यदि रूठ गया तो कहीं पर भी दुनिया में जगह मिलने वाली नहीं, ठोर नहीं है। इसीलिए कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बड़िहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु से गोविंद मिले, इसलिए गुरु को पहले नमन। गुरु कैसा हो इस संबंध में श्रीमद रायचंद्र जी की भी एक बहुत सुंदर उक्ति है। जो गुरु आत्मज्ञान से युक्त हो, समदर्शिता और समता का आचरण करे, आत्म स्वभाव में रमण करे, वितराग परमात्मा की वाणी सुने सुनाए, परम श्रुति के अनुसार अपना जीवन चलाए, वही सद्गुरु है। जैन तत्व दर्शन में कहा गया है कि गुरु निर्ग्रंथ हो,
अर्थात उसके मन में राग द्वेष मोह माया छल कपट विषय कषाय की गांठे ना हो, वो गुरु है। ऐसे निर्ग्रंथ गुरु के आवश्यक सूत्र में 36 गुण बताए गए हैं। जो 5 इंद्रियों की विषयाशक्ति को रोकने वाला हो, ब्रह्मचर्य की 9 विधि गुप्तियों को धारण करने वाला हो, क्रोधादि 4 कषायों से मुक्त हो, इस प्रकार इन 18 गुणों से युक्त हो तथा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों से युक्त हो, ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार तपाचार और वीर्याचार इन 5 आचारों का पालन करने में समर्थ हो, 5 समिति और 3 गुप्ति का सम्यक आचरण करता हो, इस प्रकार इन 36 गुणों से संपन्न साधक ही मेरा गुरु है। जो गुरु के 36 गुण बताए गए हैं वो 36 गुणों को धारण करने वाला गुरु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात परमहम्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैदिक संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहा गया है। ब्रह्मा इसलिए क्योंकि वह सृजन करता होता है। एक मानव को शिष्य को ध्यान संस्कार व गुणों से सुसज्जित कर वो उसे सच्चे अर्थ में मनुष्य बनाता है, इसलिए ब्रह्मा गुरु। विष्णु जो पालन करता है, प्राचीन काल में गुरु गृह में विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे और गुरु उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ उनका पालन पोषण भी करते थे, इसलिए वे गुरु। महेश्वर जो सृजन के साथ विलय भी करता है, यानी अपनी वाणी उपदेश द्वारा विद्यार्थी के दुर्गुणों उनकी कमियों को प्रेम से कदाचित फटकार से दूर करता है, वो गुरु। अब समय बदल गया है, गुरु बदल गए हैं, शिक्षा पद्धति बदल गई है, गुरु पूर्णिमा की जगह टीचर्स डे मनाए जाने लगे हैं, परंतु गुरु की महिमा कम नहीं हुई है। आज भी गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर है, लेकिन गुरु का पद शिक्षक से बहुत ऊंचा है। पाश्चात्य संस्कृति ने गुरु शब्द के अर्थ को नहीं समझा। गुरु की अपनी मौलिक धारणाएं होती हैं, वह निष्काम भाव से शिष्य रूपी अनगढ़ पत्थर को तराश कर सुंदर देव प्रतिमा बना देता है। वर्तमान काल के शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर है। शिक्षक से विद्यार्थी वो सीखता है जो वो जानता है, क्योंकि उसने पुस्तक से ही ज्ञान ग्रहण किया होता है, जबकि गुरु से शिष्य वो सीखता है जो उनके अंतःकरण में अनुभूति में समाया होता है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। शिक्षक से केवल आंशिक बौद्धिक जानकारी मिलती है, जबकि गुरु से शिष्य का हार्दिक अटूट संबंध होता है और वो शिष्य के जीवन का निर्माण करता है। शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध लेन देन का सौदेबाजी का होता है, जबकि गुरु शिष्य संबंध आत्मा का प्रेम का होता है और वो शिष्य को अनंत की ओर ले जाता है। जो ध्रुव है सत्य है उसका ज्ञान गुरु करवाता है। ऐसे गुरुओं के लिए रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने लिखा है, जे गुरु चरण रेणु सिर धारे ही ते जनु सकल विभव वस करही। जो शिष्य श्रद्धानत होकर के गुरु चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करता है, तीनों लोकों का विपुल वैभव उसके चरण में लौटता है, उसके वश में हो जाता है। लेकिन शिष्य का विनयवान होना पहली शर्त है। बिना विनित भाव के बिना विनम्रता के न तो उसे विद्या आ सकती है और न ही उस पर गुरु की कृपा हो सकती है। विनित शिष्य पर ही गुरु प्रीतमान होते हैं। वे अपनी कृपा की अनंत वर्षा करते हुए शिष्य को निहाल कर देते हैं, उसे विपुल शुद्ध ज्ञान का लाभ देते हैं। रत्नत्रयी अर्थात सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र मय मोक्ष मार्ग प्रदान कर अनंत अनंत काल के लिए सुखी बना देते हैं। ऐसा विनित शिष्य ही गुरु कृपा का श्रेष्ठतम पात्र होता है। जो शिष्य अपने अनुशासता आचार्य और ज्ञानदाता उपाध्याय की आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा भक्ति करके उन्हें प्रसन्न करता है, उसका सम्यक ज्ञान
उसी प्रकार विस्तृत हो जाता है जिस प्रकार पानी का सिंचन पाकर वृक्ष विस्तार पाता है। जिस शिष्य ने सद्गुरु के चरणों में बैठ करके धर्म की शिक्षाएं ग्रहण की है, उस गुरु के प्रति विनय का, नम्रता का व्यवहार करना, मनसा वाचा कर्मणा प्रतीक्षण उनका सम्मान करना उसका परम कर्तव्य है। जिनका वचन पीयूष प्राणियों के संसार विष को नष्ट कर उन्हें अमर तत्व का दान करता है, उन इष्ट देवता स्वरूप सद्गुरु को नमस्कार। अज्ञान अंधकार में अंधे बने प्राणियों के नेत्रों को जिन्होंने ज्ञानांजन शलाका से आंझ कर खोल दिया, उन सद्गुरु को मेरा प्रणाम। जिनकी कृपा से न केवल अंधों को आंखें ही मिल जाती है, अपितु गुंगों को वाणी और पंगुओं को चलने की, पहाड़ लांघने की शक्ति मिल जाती है, उन परम आनंदमय गुरु को मेरा प्रणाम। लेकिन ये ध्यान रखिएगा बंधुओं कि गुरु की आशातना से दुर्गति होती है। मैंने देखा है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को कि जिनकी गुरुओं की आशातना करने से बहुत भयंकर दुर्गति हुई है, यहां तक कि रेल से कट करके मरे भी हैं। अचानक अविनीत शिष्यों द्वारा गुरुओं की आशातना, अपने नाम एवं गुटबाजी के चलते चरित्रनिष्ठ संतों की अवहेलना करने वालों और धर्म गुरुओं को ठेस पहुंचाने वालों और उनकी अवज्ञा करने वालों की दुर्गति निश्चित रूप से होती है। गुरुओं की महिमा के संबंध में विभिन्न धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है, उनके ऋण से उऋण होना बहुत दुष्कर है। ऐसे सद्गुरु किसी को श्राप नहीं देते, किंतु उनके अविनय और उन्हें किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाने पर शिष्य के कर्मों का ऐसे बंद हो जाता है कि उसकी दुर्गति स्वाभाविक हो जाती है। दशवेकालिक सूत्र में कहा गया है कि जो शिष्य गर्व, क्रोध, माया और प्रमादवश गुरुदेव के प्रति विनय नहीं रखता, उसका अहंकार उसके विनाश का कारण बन जाता है, और ये मैंने देखा है। गुरु की आशातना करना पर्वत से अपना सिर टकराने जैसा है, ये ध्यान रखिए। प्रायः देखने में आता है कि समाज में गुटबाजी या अपने नाम अथवा तुच्छ स्वार्थ के लिए कई तथाकथित शिष्य, श्रावक, श्राविका साधुओं की अज्ञानतावश उपेक्षा करते हैं, उनके बारे में मिथ्या प्रचार करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, समाज में विघटन अथवा वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में गुरुओं का अपमान तक कर डालते हैं, अथवा उनके प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से भी परहेज नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को गुरु का महत्व समझना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने अपने एक श्लोक में गुरु की महत्ता के बारे में कहा है कि यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो, सत्कीर्ति का चारों दिशाओं में विस्तार हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में यदि मन न लगे तो इन सारी उपलब्धियों से क्या लाभ। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। साथियों, गुरु की महिमा पर मैंने जो कुछ बताया वो बहुत मामूली है। गुरु के साथ यदि पूर्णिमा का संयोग जुड़ जाए तो वह सोने में सुहागा स्वरूप है। इस दिन गुरु का सानिध्य, उनका वंदन और उनका आशीर्वाद मिल जाए तो किसी का भी जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि पूर्णिमा को हमारा ओरा, हमारा आभा मंडल पूरा खिला हुआ होता है। पूर्णिमा पूर्णता की प्रतीक है। पूर्णिमा को जिस प्रकार चंद्रमा पूरी तरह खिला रहता है और ज्योत्सना व शीतलता से लबरेज रहता है, व्यक्ति का स्वयं का ओरा, आभा मंडल भी पूरी तरह विकसित होता है। मस्तिष्क, दिमाग और चंद्रमा का परस्पर गहरा संबंध है। मस्तिष्क अथवा दिमाग से हमारा अभिप्राय व्यक्ति की चेतना, भावना और कामना। चंद्रमा की कलाएं न केवल पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि व वायु को प्रभावित करती है, अपितु मानव मस्तिष्क को भी सीधे सीधे प्रभावित करती है। पूर्णिमा के दिन रेकी और हीलिंग क्रियाओं का स्वाध्याय की दृष्टि से बहुत ही विशेष प्रभाव होता है। पूर्णिमा के दिन
दिमाग भी हल्का रहता है और व्यक्ति के आभा मंडल में उसकी प्रकृति व भावनाओं के अनुरूप तरंगे अनवरत रूप से बहती रहती है। इस दिन गुरु के चरणों में शीश झुकाने से उनमें व्याप्त ऊर्जा, ज्ञान और भाव तरंगे हमारे जीवन का कल्याण कर सकती हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है और उस दिन गुरु के चरणों में जरूर नमन करना चाहिए और उनकी चरण रज सिर पे जरूर लगानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो आध्यात्मिक पहलू है गुरु का और गुरु पूर्णिमा का, इसको समझिए। ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और आत्मकल्याण के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।